पिछले कई दिनों से सिरसा शहर की करीबन आधा दर्जन कॉलोनियों में दूषित पेयजल की सप्लाई को लेकर लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। इसी रोष के चलते आज काफी संख्या में दूषित पेयजल सप्लाई से परेशान लोग महिलाओं सहित जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पहुंचे और कार्यकारी अभियंता कार्यालय का घेराव किया। शायद जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इतने निकम्मे और नाकारा हो गए हैं कि जब तक कहीं न कहीं कोई कोई बलवा न हो जाए तब तक जागते नहीं है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बार बार जन स्वास्थ्य विभाग को शिकायत करने के बावजूद लगातार उन्हें दूषित पेयजल सप्लाई मिल रही है, जिसको लेकर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जा रहा है। कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन द्वारा भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। आप भी सुनिए क्या कहना है लोगों का। हमारी गलियों में गंदा पानी आता है, ये पीने लायक नहीं है, जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें साफ पानी चाहिए बस। हमारी यही मांग है, जब तक हमारे हमारी पानी की मांग नहीं पूरी होती है, यहाँ से एक दिन गंदा पानी पी के दिखा दे, हम मान जाएंगे। वही इस मौके पर क्या कहना है जन स्वास्थ्य विभाग के जीन का सुनिए। माता जी बात सुनो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। देश में ऐसी बातें बहुत चलती है, नए काम करना उधर कानून लगा देते हैं, बीच में नपुरुड़े फनाड़ा है तिकड़े। चलो जो हुआ मैं कहता हूँ, उसके बाद जो भी आदमी मेरे पास आया, मैंने कहा भी चंडीगढ़ से ऑब्जेक्शन लग गया, हमारे एससी साहब बैठे पूर्णिया जी, पर एक चीज मैंने पैदा कर दी, उसको आप जिंदा कर दो, उसको साइन ही करने बाकी रह रहे। किसी आदमी ने कुछ नहीं किया, मैं भी चुप रह गया। बताओ मेरे पार्ट में कहां फॉल्ट है? मैंने अपलोड को अपलोड कराने के लिए लड़ा हूं मैं चंडीगढ़ जाकर के, पर ये बात अगर मेरी झूठी हो तो आप पता कर लो, ये बात अगर झूठी आप पता कर लो। जब अधिकारी ही कह रहे हैं कि जब कोई काम नहीं करना हो तो नया कानून लागू कर दिया जाता है, तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि लोगों की परेशानियां कम होंगी। यह कोई पहला मामला नहीं है कि लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, यह तो हर बार इस सीजन में होता आया है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि अधिकारी कुछ कर नहीं सकते और करना भी चाहते और नहीं उनमें आपस में तालमेल है। सीवरेज विभाग और जल आपूर्ति विभाग के अधीक्षक अभियंता एक होने पर भी सीवरेज विभाग अधिकारी और जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर काम को छोड़ अपना पल्ला झाड़ देते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस सब में सरकार मौन है तो जनता जा ये कहा। न्यूज़ फॉर यूके लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट।